Now we take the next set of questions in case of word problems on HCF and LCM. ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है थ्री मेजरिंग रॉड्स, मेजर करने वाले रॉड होते हैं जनरली. आपने कपड़ों की दुकानों पे, क्लॉथ्स की दुकानों पे देखा होगा, एक स्टील का रॉड होता है जो कैलिब्रेटेड होता है, उसमें मेजर कर मतलब मार्किंग्स होती हैं, वो एक मीटर का होता है. तो अगर आप कहते हैं कि हमको दो मीटर कपड़ा दो, तो वो रॉड से मेजर करते हैं और आपको काट के कपड़ा दे देते हैं. तो ऐसे तीन मेजरिंग रॉड हैं जिनकी लेंथ क्या है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर. क्वेश्चन ये, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ दीज रॉड्स. अब वो क्या क्वेश्चन का मतलब है कि हम कितना एक लेंथ ऑफ क्लॉथ मिनिमम ले लें जिसको इससे मेजर करें तो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर हो जाए, इससे करें तो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर हो जाए, इसको करें तो वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ मेरे लेंथ ऑफ क्लॉथ है 200 सेंटीमीटर, दो मीटर का कपड़ा है, तो अगर मैं इससे मेजर करने की कोशिश करूंगा तो देखिए एग्जैक्टली मेजर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 200 को हम 64 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 192 सेंटीमीटर, मतलब तीन बार में इतना पहुंच गया, लेकिन 8 सेंटीमीटर अब बच गया. वो एग्जैक्टली 64 से तो अब जाएगा नहीं, क्योंकि अब ये तो इतना टुकड़ा बच गया, इसमें तो पूरा रॉड से मेजर कर नहीं सकते, ये चीज नहीं चाहते. अगर हम 80 सेंटीमीटर वाले रॉड से 200 को मेजर करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 160 सेंटीमीटर तो दो बार में कवर कर लेगा, लेकिन 40 सेंटीमीटर बच गया, ये तो 80 पूरा पूरा नहीं है, तो ये बच गया, ये हम नहीं चाहते. ऐसे ही 96, तो हम इस कपड़े की मिनिमम लेंथ क्या लें जिसको अगर हम इससे मेजर करें तो भी पूरी तरह मेजर हो जाए विद एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, इससे करें तो भी हो जाए और इससे करें तो भी हो जाए. ठीक है, इसका मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम जो लेंथ ऑफ क्लॉथ ढूंढ रहे हैं वो एक ऐसी लेंथ ढूंढ रहे हैं. अच्छा, एक चीज और समझिए, इस केस में हमने क्या करा है, हम जो चीज ढूंढ रहे हैं वो क्या है, ये है, मतलब कहाँ आ रही है, न्यूमरेटर में आ रही है, और जिस जो ये दिया है वो कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब ये जो तीन चीजें दी हैं ये तो डिवाइजर है. हम क्या ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम तो डिविडेंड ढूंढ रहे हैं. और मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर हम डिविडेंड ढूंढने लगे तो इसका मतलब वो किसका क्वेश्चन हो गया है, मल्टीपल का क्वेश्चन हो गया, और मल्टीपल का क्वेश्चन हो गया तो फिर वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या जाएगा, लीस्ट कॉमन. देखिए लीस्ट बोल भी रहा है, लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, यानी ये डेफिनेटली किसका क्वेश्चन है, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन है. मतलब ये हम कह रहे हैं कि 64 के अब हम मल्टीपल्स लिखें तो क्या होगा, 128, 192 एंड सो ऑन. ऐसे 80 के मल्टीपल्स लिखेंगे 160, 240, 320 एंड सो ऑन. ऐसे 96 के लिखेंगे 192 एंड सो ऑन, 288 एंड सो ऑन. तो ऐसा कोई नंबर यहाँ आए और यहाँ आए जो तीनों में कॉमन हो और जो सबसे पहली बार आए, तो वो क्या होगा, लीस्ट होगा, कॉमन मल्टीपल होगा. और क्या होगा, ये नंबर जो आएगा वो इससे भी डिविजिबल होगा, ये जो कॉमन नंबर है वो इससे भी डिविजिबल होगा, ये जो नंबर आया वो इससे भी डिविजिबल होगा. तो अगर आप सब चीजों को कंबाइन करें तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 64, 80 एंड 96. ठीक है ना, क्योंकि जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई नंबर आया वो 64 का टेबल में, मतलब 64 से डिविजिबल होगा, वही नंबर यहाँ आ रहा है मतलब वो 80 से भी डिविजिबल होगा, और वही नंबर यहाँ आ रहा है मतलब वो 96 से भी डिविजिबल होगा. और क्योंकि पहली बार तीनों में आ रहा है मतलब वो लीस्ट है, इसके बाद भी आएंगे वो नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये सबसे कम होगा, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा. इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं, एलसीएम निकालना तो हमें आता ही है. तो 2, 32 टाइम्स 40, 48, 2, 16, 20, 24, 2, 8, 10, 12. ठीक है, देन 2, 4, 5, 6, देन 2, 5, 3, देन 2, this, 3, एंड 5. एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 रेस टू पावर 6, 3 रेस टू पावर 1, 5 रेस टू पावर 1. अब 2 रेस टू पावर 6 इज वॉट,
64 into 15. 15 4 is 60. 6, 15, 6 is 90 and 6, 96. यानी जो मिनिमम लेंथ ऑफ क्लॉथ हो, मिनिमम या लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ हो वो क्या हो, 960 सेंटीमीटर. अब चेक करिए, 960 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 64, 80 एंड 96. अब जैसे अगर हम 64 सेंटीमीटर वाला रॉड से नापे तो 960 को कितने टाइम्स में कंप्लीटली कर लेंगे, 32 टू जा 32 थ्री जा 0, यानी 15 टाइम्स में उसको कंप्लीटली मेजर कर लेंगे. इसी तरह 80 सेंटीमीटर वाले रॉड से भी देखिए, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 12, यानी 12 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड कर लेंगे. और 96 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली 10 टाइम्स में हो जाएगा, 96 टेन जा. तो यानी अगर ये लेंथ ऑफ क्लॉथ लें तो वो इससे भी मेजर कंप्लीट हो जाएगा, इससे भी कंप्लीटली मेजर हो जाएगा, इस रॉड से भी कंप्लीटली मेजर हो जाएगा, और ये सबसे छोटी लेंथ होगी. अब इसके बाद कौन सी लेंथ आएगी, मैंने क्या बताया था, 960 जो एलसीएम आया इंटू के. अब के की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर. ये सारे क्या होंगे, ये जो 960 इंटू 1, 960 इंटू 2, 960 इंटू 3, ये सब क्या होंगे, ये सब मल्टीपल वो होंगे जो तीनों नंबर्स जिनको डिवाइड कर देंगे. पर सबसे छोटा कौन सा होगा, 960 होगा. ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स. तो हमारे पास तीन ट्रैफिक लाइट्स हैं. ये ट्रैफिक लाइट हर 48 सेकेंड्स में चेंज होती है, ये वाली हर 72 सेकेंड्स में चेंज होती है, और ये हर 108 सेकेंड्स में चेंज होता है. इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 आवर्स, 8 बजे ये तीनों पहली बार एक साथ चेंज हुए, मतलब तीनों में चेंज आ गया 8 बजे, एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली. 8 बजे के बाद किस समय ये तीनों फिर से एक साथ चेंज करेंगी अपना कलर. ठीक है, तो जो 48 सेकेंड वाली है ये 8 बजे चेंज हुई, इसके बाद अब ये कब चेंज होगी, 48 सेकेंड बाद. फिर कब चेंज होगी, फिर 48 सेकेंड जोड़िए तो मतलब 96 सेकेंड बाद. फिर कब चेंज होगी, 144 सेकेंड के बाद, मतलब ये 8 बजे के बाद की बात हो रही है, 8 AM के बाद. 8:48 पे बदलेगी, फिर 8:01:36 पे, एंड सो ऑन. इसी तरह 8 बजे जब चेंज हुई 72 सेकेंड वाली, तो ये अब नेक्स्ट कब चेंज होगी, फिर 72 सेकेंड्स बाद चेंज होगी, फिर इसमें जोड़िए 144 सेकेंड बाद होगी, फिर 216 सेकेंड के बाद होगी. इसी तरीके से जो थर्ड लाइट है, कौन सी वाली है, जो 108 सेकेंड में बदलती है, तो 8 बजे के बाद फिर कब बदलेगी, 108 सेकेंड बाद, फिर 216 सेकेंड के बाद, फिर 324 सेकेंड के बाद, एंड सो ऑन. तो ऐसा कब होगा कि तीनों लाइट्स एक ही समय पे चेंज हुए, मतलब एक ऐसा नंबर आ जाए जो तीनों में आए, मतलब इसके टेबल में भी आ जाए, 48 के टेबल में भी हो गया इसका मतलब, 72 के टेबल में भी हो जाए, और 108 के भी टेबल में हो जाए. तो मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम बेसिकली 48, 72 और 108 का क्या ढूंढ रहे हैं, एलसीएम. उसने कहा ना, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन, तो सबसे 8 बजे के बाद पहली बार ऐसा कब होगा कि फिर से वो तीनों एक साथ चेंज हो. ठीक है, तो इसका मतलब हम इसका क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें. तो चेक करिए, 224 था, 236 टाइम्स, 254 टाइम्स, 212 टाइम्स, 18 टाइम्स, 27 टाइम्स, 26 टाइम्स, 9 टाइम्स, 27 टाइम्स, 23 टाइम्स, 9 टाइम्स, 27 टाइम्स. ठीक है, फिर 3 वन जा, 3 जा, 9 जा, 3 वन वन 3 एंड 3 वन वन 1. एलसीएम क्या आया, 1, 2, 3, 4, 2 raised to power 4, 3 raised to power 3, यानी 16 into 27, 16 7 is 112,
16 to the 32 and 11, 43. यानी 432 सेकेंड्स बाद ऐसा होगा कि तीनों लाइट्स एक साथ चेंज होंगी. तो 432 सेकेंड्स के बाद, therefore, after 432 सेकेंड्स, all lights will change simultaneously. ठीक है, आप चाहो तो इसमें इसको देख भी सकते हैं. देखिए, 108 सेकेंड वाली जो लाइट है वो 324 सेकेंड के बाद फिर से कब चेंज होगी? 432 सेकेंड बाद, 108 सेकेंड बाद फिर होगी. ये वाली कब होगी? 216 में आप 72 जोड़िए, 288 में 72 जोड़िए, 360 में 72 जोड़िए, 432 सेकेंड. इसमें आइए, इसमें 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 192 में 48 जोड़ेंगे 240 में 48 जोड़ेंगे 288 में 48 जोड़ेंगे 328, 336 में 48 जोड़ेंगे 384 में 48 जोड़ेंगे 432. तो चेक करिए 432 सेकेंड्स बाद देखिए तीनों की तीनों चेंज हो रही हैं. इसका मतलब ये पहली बार हो रहा है, इसके बाद भी होगा, लेकिन सबसे पहली बार कब एक साथ चेंज होंगी? आफ्टर 8 पीएम, 432 सेकेंड्स के बाद. देखो किस टाइम पे चेंज होंगी? 432 सेकेंड्स मींस 432 डिवाइडेड बाय 60, 6 7 सा 42, तो 7 मिनट्स पूरे हो गए एंड 12 सेकेंड्स और हुए, यानी 8 बज के 7 मिनट एक साथ चेंज हुई थी, फिर 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड पे ये फिर से एक साथ चेंज हुई. ठीक है, तो यू कैन वेरी वेल सी कि इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस हमको इनका ये पता लगाना है कि इसमें हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है. प्रोसेस इज वेरी इजी. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हर 60 सेकेंड्स पे बीप करता है, यानी अगर आज अभी उसने करा बीप तो फिर कब करेगा? 60 सेकेंड बाद. 60 सेकेंड मतलब एक मिनट बाद. फिर कब करेगा? 120 सेकेंड्स के बाद, फिर 180 सेकेंड के बाद. ठीक है, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 62 सेकेंड. तो अगर अभी उसने बीप करी तो फिर कब करेगा? 62 सेकेंड्स के बाद. फिर उसमें 62 जोड़ दीजिए मतलब 124 सेकेंड्स के बाद. फिर उसमें 162 जोड़ दीजिए 186 सेकेंड्स के बाद, एंड सो ऑन. दे बीप्ड टुगेदर एट 10 एम, 10 बजे दोनों ने साथ में बीप किया. तो अब कब करेंगे? ये 10 बजे के बाद हर 60 सेकेंड पे करता रहेगा, ये हर 62 सेकेंड्स पे करता रहेगा. तो कब ऐसा होगा? व्हेन दे विल बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट. एट द अर्लीस्ट मतलब सबसे पहली बार अब कब करेंगे? 10 बजे के बाद. ऐसा कोई नंबर यहां आए? यहां भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों का क्या हो, कॉमन हो जाए, कि इतने सेकंड बाद ये भी करेगा और इतने सेकंड बाद ये भी करेगा, मतलब वो कॉमन हो गया टाइम. तो यानी ये क्या है, ये तो टेबल लिखा है 60 का, तो वो 60 के टेबल में ये नंबर भी आए और 62 के टेबल में ये नंबर आए, मतलब ये कॉमन मल्टीपल हो जाए दोनों का. और अर्लीस्ट का मतलब सबसे पहली बार 10 बजे के बाद, मतलब सबसे पहली बार 10 बजे के बाद ही कब एक साथ बीप करेंगे, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम ढूंढ रहे हैं 60 और 62 का. अब ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग अवर मेथड. 230 टाइम्स 2, 31 टाइम्स, 215 टाइम्स 31 टाइम्स, 35 टाइम्स 31 टाइम्स, 51 टाइम्स 31 एंड 31. तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू 31. तो 60 इंटू 31 गिव्स यू 1860 सेकेंड्स, मतलब 1860 सेकेंड बाद ऐसा होगा कि दोनों एक साथ बीप करेंगे. मतलब 1860 के टेबल में भी आएगा और 62 के टेबल में भी आएगा. ठीक है, तो अब कितना टाइम हो गया? दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 1860 डिवाइडेड बाय 60, 63 था 1 था, यानी 31 मिनट पूरे पूरे हो गए. यानी नेक्स्ट दे विल बीप टुगेदर एट
10 hours 31 minutes, 10 AM 31 minutes, 31 मिनट बाद फिर से एक साथ होंगे, मतलब 10 बजे फर्स्ट टाइम बीप करे थे तो उसके बाद कब करेंगे 10:31, और उसके बाद कब करेंगे फिर इसमें 31 जोड़ दिए मतलब 11:02, फिर कब एक साथ करेंगे फिर 31 मिनट जोड़ दीजिए 11:33 AM एंड सो ऑन। लेकिन सबसे पहली बार 10 बजे के बाद कब करेंगे 10 hours 31 minutes, ठीक है ठीक है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। देर आर 6 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively. How many times do they toll together in 30 hours? अब क्या मतलब है? हमारे पास 6 bells हैं, ठीक है? हमारे पास 6 bells हैं. Let's say these are our 6 bells. ये जो 6 bells हैं, ये पहली bell हर 2 minute पे बजती है, दूसरी वाली हर 4 minute पे बजती है, तीसरी वाली हर 6 minute पे, चौथी वाली हर 8 मिनट पे, और पांचवी वाली हर 10 मिनट पे, और छठी वाली हर 12 मिनट पे बजती है। तो मतलब अगर ये पहली वाली अभी बजी तो 2 मिनट बाद फिर बजेगी, उसके 2 मिनट बाद फिर बजेगी, ऐसे ही दूसरी वाली अगर अभी बजी तो फिर 4 मिनट बाद बजेगी, फिर उसके 4 मिनट बाद बजेगी एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि 30 घंटे के अंदर वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो एक साथ बजेंगी मतलब एक ऐसा नंबर हम ढूंढ लें जो सबके टेबल में आ रहा हो, मतलब उस समय सारी एक साथ बजें, मतलब ऐसा नंबर जो इसके टेबल में भी हो इसके टेबल में भी हो, मतलब ये 2 मिनट पे बजेगी फिर 4 मिनट पे फिर 6 मिनट फिर 8 मिनट एंड सो ऑन, ये 4 मिनट पे बजेगी फिर 8वें मिनट पे बजेगी फिर 12वें मिनट पे बजेगी एंड सो ऑन, ये 6 मिनट पे बजेगी फिर 12th फिर 18th फिर 24th मिनट सो ऑन, ये 8, 16, 24 एंड सो ऑन, ये 10, 20, 30 मिनट्स एंड सो ऑन, ये 12, 24, 36 मिनट्स एंड सो ऑन। तो ऐसा कब होगा कि वो समय आएगा कि सारी एक साथ बजेंगी, इसका मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढ लें जो इसके टेबल में भी हो इसके में भी हो और पहली बार सब में आ रहा हो। इसका मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 and 12, ठीक है? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 पहले तो यही निकाल लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो 2 ones are, 2s are, 3s are, 4s are, 5s are and 6s are, 2 ones are, 1s are, 3, 2, 5, 3, then we have, ये किससे जाएगा, 2, 1, 1, 3, 1, 5 and 3, then 3 से 1, 1, 1, 1, 5 and 1 and last 5, ठीक है? तो LCM कितना हो गया हमारा, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, यानी 8, 5 are 40, 3 are 120 minutes, 120वें मिनट पे अब ये लोग फिर से एक साथ बजेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 120, यहाँ देखिए 4 के भी टेबल में 120 आता है, 6 के टेबल में भी 120 आता है, 8 के टेबल में भी 120 आता है, 10 के टेबल में भी 120 आता है, 12 के टेबल में भी 120 आता है, और ये पहली बार होगा 120वें मिनट में पहली बार होगा कि स्टार्टिंग के बाद ये लोग एक साथ फिर से टोल करेंगे। तो हर 2 घंटे पे यानी ये लोग एक साथ बज रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ऑल बेल्स टोल आफ्टर एवरी आफ्टर After every 2 hours, हर 2 घंटे पे एक साथ 120 minutes means what? 2 hours. तो हर 2 घंटे पे ये बज रहे हैं, तो in 30 hours they toll how many times? हर 2 घंटे पे एक बार बजते हैं, तो 30 घंटे में कितनी बार बजेंगे? 30 divided by 2, मतलब 15 times. अब अगर किसी student ने सिर्फ 15 answer दे दिया तो now he is wrong. क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि 6 bells commence tolling together, तो मतलब पहला टोल तो 0th time पे हो गया, उसके बाद 30 घंटे में कितनी बार किया, 15 बार, तो इन ऑल कितनी बार किया, इन ऑल दे टोल टुगेदर 16 times,
क्योंकि ये 0th सेकेंड है, यहाँ पे उन्होंने एक साथ करा, फिर क्या हुआ 2 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे के बाद, फिर 6 एंड सो ऑन 30वें घंटे पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम्स किया, 15 टाइम्स, और एक उसने अभी यहाँ स्टार्टिंग पे किया था, तो कितनी बार एक साथ किया, 16 टाइम्स। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 16 टाइम्स। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन देखे और आपको ये समझ में आया होगा कि इनकी वर्किंग इज वेरी इजी, इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है, बस इनको समझना हमको बस है कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो आई होप आपको पिछले लेक्चर से, इस लेक्चर से कंप्लीट क्लैरिटी हो गई होगी कि हम HCF LCM के वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे डील करते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज गो बैक ऑन द वीडियोज एंड रिवाइंड एंड री लिसन टू देम, देखिए क्या आपको समझ में आता है। ठीक है,